है यहाँ पर काफ़ी गाइस, ये चौड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है ये महानदी। यहाँ पर तो पूरा जलथल हो चुका है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आज आप लोग को लेकर चलूँ मिरौनी डैम में, बाढ़ आया हुआ है उसको दिखाने के लिए। तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं बारिश के सीजन में कैसा लगता है मिरौनी डैम। और छत्तीसगढ़ में 4-5 दिनों से बारिश हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है। ये देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा और कितना पानी भरा हुआ है, आप लोग को चलिए दिखाते हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मिरौनी डैम में, बाढ़ आया हुआ है। गाइस ये देखिए काफ़ी ख़तरनाक बाढ़ आया हुआ है। गाइस ये देखिए यहाँ पर तो मिरौनी डैम का नज़ारा आप लोग देखे। गाइस बारिश के सीज़न में आप लोग खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए यहाँ पर है मिरौनी डैम और हम लोग एंट्री हो चुके हैं। ये देखे गेट यहाँ पर है। तो फाइनली गाइस चलते हैं आप लोग को नज़ारा दिखाने के लिए। काफ़ी गाइस छत्तीसगढ़ में 4-5 दिन से बारिश हो रही है तो दिखाते हैं आप लोग को कैसा है यहाँ का नज़ारा। ये देखिए गाइस काफ़ी हवा चल रही है। तो गाइस ये देखिए ये है मिरौनी डैम का नज़ारा। इस साइड का पूरा नज़ारा को देखिए आप लोग गाइस और इस साइड भी पूरा। और ये महानदी गाइस छत्तीसगढ़ का, तो देखिए कैसे पूरा डूब गया है सब तरफ। और ये देखिए सब लोग देखने आ रहे हैं डैम में। ये देखिए सब गेट गाइस ये देखिए पूरा ओपन है। तो देखिए पूरा पानी पानी इसमें भरा हुआ है। कार से आए हुए हैं ये लोग गाइस, इस तरफ देखिए पहुँच चुका है और दूर दूर तक भी आ रहे हैं गाइस। ये देखिए आज तो गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाइस ये देखिए यहाँ पर कल आए थे यहाँ पर तो सब तरफ हल्का हल्का दिख रहा था, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए गाइस छत्तीसगढ़ में कहाँ बारिश हो रही है, 4-5 दिन में इतना पूरा भर चुका है। ये देखिए कैसे आए हैं सब लोग, कमेंट करके बताइए गाइस कि कैसा लग रहा है। कल तो इतना हल्का हल्का से दिख रहा था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस यहाँ पर। काफी लंबा डैम है भाई साहब, ये देखिए। अभी गाइस हम लोग नीचे उतरेंगे डैम के, ऐसा है वहाँ का नज़ारा, इतना डूबा है उस तरफ का रोड। तो आप लोग को चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए नाव भी चल रहा है गाइस यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर नदी है और पानी उस साइड भर चुका है। देखिए कैसा 4-5 दिन में कितना असर हुआ है यहाँ पर और बारिश चालू हो गया गाइस यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर इस साइड पूरा पूरा जलथल हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए इस तरफ डूब चुका है। और चलिए आप लोग दिखाते हैं और आगे जाकर, लगता है गाइस इस साइड से जाते बन जा रहे हैं इसीलिए ये लोग आ रहे हैं उस साइड पे। गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो रहा है। गाइस अभी शाम का 5 बज रहा है तो मैं शाम को आया था क्योंकि दिन भर पे पानी गिर रहा है गाइस। तो अभी वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है गाइस। देखिए इस साइड पूरा पानी भरा हुआ है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस यहाँ पर, लेकिन काफ़ी खतरनाक है ये। और दिक्कत वाली बात यह है कि गाइस आने जाने में भी परेशानी हो जाएगा फिर। और हम लोग अब डैम से नीचे उतर चुके हैं। वो देखिए अब कैसे इस साइड पूरा भरा हुआ है ये देखिए, और कितना बारिश होगा। तो ये देखिए वहाँ पर भी कुछ लोग हैं अभी घूम रहे हैं गाइस, बारिश का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए भाई साहब यहाँ पर कैसे भरा हुआ है पानी, पूरा जलथल हो चुका है। तो गाइस देखिए कैसे पूरा बाढ़ से पूरा भर चुका है गाइस मिरौनी डैम में, ये देखिए। तो गाइस हम लोग डैम से इस पार आ चुके हैं और ये रहा हम लोग का स्कूटी और इधर है मेरा भाई। तो गाइस इस साइड पूरा देखिए पूरा जलथल हो चुका है गाइस यहाँ पर। यहाँ पर गाइस अभी ठीक ठाक है, उतना भी नहीं भरा है। फिर ये भी गाइस दिक्कत हो जाएगा ये वाला रूट। ये देखिए गाइस मिरौनी डैम है और इस साइड फिंगनपुर है, तो ये वाला रूट गाइस काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर वूफ वाले भी पुल में गाइस काफ़ी पानी भरा हुआ है। ये देखिए गाड़ी वाड़ी कार वार जा रहे हैं यहाँ से।
गाइस ये देखे इतना इतना भरा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भर चुका है गाइस, देखने में कम लग रहा है लेकिन इसमें अभी नाव भी चल रहा है। तो गाइस चलिए अब आप लोग को डैम के ऊपर में लेकर चलते हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पर तो पूरा जलथल हो चुका है। कमेंट करके बताइए गाइस कि इस साइड आप लोग को कैसा लग रहा है। गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हुआ है गाइस, 4-5 दिनों से तो पूरा भर चुका है, नहीं कम दिख रहा है लेकिन गाइस काफी ज्यादा बारिश हुआ है, लगातार गिरते जा रहा है। तो गाइस आप लोग को चलिए डैम के ऊपर में लेकर चलते हैं। तो गाइस देखिए मिरौनी डैम में आप लोग गाइस बाढ़ को नजारा कर देखिएगा, इस साइड पूरा देखिए गाइस जलथल हो चुका है, देखिए पूरा समुद्र जैसा दिख रहा है गाइस लोग को। इस साइड का नजारा आप लोग को दिखाते हैं गाइस बरसात के दिनों में कैसा दिखता है। ये देखिए मिरौनी डैम पूरा देखिए गाइस पूरा खुला हुआ है, देखिए गाइस पूरा डैम ओपन है अभी। और गाइस इस साइड ये देखिए वो दूसरा पुल है गाइस वहाँ पर है, और ये देखिए इस साइड भी पूरा डूब चुका है काफ़ी गाइस। ये चौड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है ये महानदी। तो आप लोग बताइए गाइस कि कैसा है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी लोग गाइस यहाँ पर अभी घूमने के लिए भी आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि कितना अभी भरा है। तो आप लोग गाइस वीडियो में आप लोग को ये देखिए गाइस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए ये है हमारे छत्तीसगढ़ का महानदी गाइस। ये देखिए यहाँ पर बादल कैसे दिख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी खतरनाक। ये देखिए यहाँ पर, और मेरा भाई अभी यहाँ पर ये देखिए सेल्फी ले रहा है, यहाँ पर फोटो खिंचा रहा है। तो ये देखिए गाइस काफ़ी लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं घूमने के लिए, देखने के लिए नदी में कितना बाढ़ आया उसको। और गाइस गार्डन वहाँ पर है, वो गाइस अभी नहीं डूबा है क्योंकि वो ऊपर में है वो गार्डन। और ये देखिए नज़ारा यहाँ का। तो गाइस इस बारिश में गाइस चना खाने का मजा ही कुछ और है। तो आप लोग घर में ट्राई कीजिए चना खाने का गर्मा गर्म। तो चलिए गाइस अब चलते हैं मिरौनी डैम पे। ये देखिए अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है गाइस फिर से। तो चलिए अब घर चलते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बाय बाय।